पहले आप जाइए। ओके, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वीके व्लॉग्स। आई होप एब्सोल्युटली फाइन। अभी का जो टेम्परेचर रखा है -1 हो रखा है और काफ़ी ठंड भी है। फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, निकलेंगे आप सीधा दिल्ली के लिए। वेदर भी काफ़ी अच्छा है, अगर आपको दिखाऊँ तो कुछ ऐसा है। एंड खाना वाना बाहर जाके खाएंगे क्योंकि थोड़ा सा लेके चलना पड़ेगा। और जो मेरा बिल है यहाँ पे आया 2870 का, 2 दिन का बिल और फूड समेत 2870 का आया। ठीक है, इतना इनफ है। सो फटाफट से सारा पैक तो हो चुका है, बस बाइक पे लगाना और निकलना है। सो मिलते सीधा बाइक पे। मुझे लगा था कि गोप्रो अटक गया, लेकिन अटका नहीं है भाई। हो जाता है कभी कभार, ये वेदर में थोड़ा सा दिक्कत देता है। अगर ज़्यादा कम वेदर हो ना तब तो ज़्यादा ही दिक्कत दे देता है। जैसे माइनस में चला गया फिर तो भाई साहब बस पूछो मत, दिक्कत ज़्यादा ही हो जाती फिर। अरे बहुत ही ब्यूटीफुल मॉर्निंग है इस टाइम पे, इतना अच्छा लग रहा है ना, क्या बोलूँ। अभी टाइम हो रहा है 8:58। मैं जितना जल्दी हो सके उतना कवर कर रहा हूँ। बस ये है कि जितना टारगेट लास्ट टाइम किया था ना 13 घंटे का, उससे जल्दी पहुँच गया तो बढ़िया है। मैं ज़्यादा भगाऊंगा नहीं भाई, लास्ट टाइम मैंने भगाया नहीं था, बस ये था कि रुका नहीं था मैं कहीं, खाने के लिए रुक गया, एमरजेंसी में अगर झुक इजाजत पड़ गई तो रुक गया, नहीं तो वैसे रुका नहीं मैं। बस ये कि जितना जल्दी कवर हो सके उतना बढ़िया है, रुकना का नहीं है इस बार। लास्ट टाइम जो रुका था ना, इस बार ही नहीं रुकने वाला। ये टनल तो ख़त्म हो गई, इसके बाद तो मेरे ख्याल से वही है जो रोकते नहीं है, जो पहाड़ पे काम करते रहते हैं उसके चक्कर में थोड़ा बहुत रुकेंगे मेरे ख्याल से। जहाँ तक है 3 बार आएगा पूरे पहाड़ पे, बस जितना जल्दी कवर हो जाएगा उतना मेरा बेटर रहेगा। इतनी जल्दी तो मैंने यार, सही है यार, इतना जल्दी कवर कर दिया मैंने। अब बाकी देखते हैं कि कितना अपना हो पाएगा। ठंड नहीं लगी टनल में, बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। अगर इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं तो शायद इस टाइम पे खुला होगा अटल टनल भी और आगे का भी। वो तो भाई अपनी अपनी किस्मत होती है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। अपने टाइम पे अपने नसीब में था नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, वरना और आगे जाता। बट कोई नहीं, फिर भी अपना सही कवर हो गया, दर्शा तक अपना लास्ट कवर हुआ है, बट फिर भी ठीक है। अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है 11:06। ठीक है, फ़ोन भी पूरा गंदा हो चुका है। एंड अभी बस सुसु ब्रेक के लिए मैं रुका था, बाकी तो जितना जल्दी कवर हो सके उतना जल्दी मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा सा कमर सीधी हो जाए मेरी तो। हेलो कम अगेन, सो बस फटाफट से निकलते हैं, थोड़ा सा वेट करके यार, जितना जल्दी हो सके तो जल्दी करो।
और भैया जितना मास्क लगाओ उतना बढ़िया। आपको लग रहा होगा शायद मैं मास्क नहीं लगा रहा, मास्क पूरा लगा रहा हूँ, बस ये है कि कैमरे के सामने मास्क नहीं लगा पाता, बाकी टाइम पूरा टाइम मास्क। अभी टाइम हो रहा है 11:42 एंड अपन मंडी में पहुँच गए। एक काम करते हैं, कुछ खा लेता हूँ ताकि हमें फिर कहीं ना रुकना पड़े, सीधा फिर दिल्ली में जाके रुकेंगे, कुछ खा ही लेते हैं। खा लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, खा के फिर चलते हैं। जी कैसे हो सारे? बढ़िया। देखो भाई साहब, मैंने 3:29 पे बाइक उतार दी पहाड़ों से नीचे। देखो उधर तो पहले ही जाता, बट दिक्कत ये हो गई कि जो चेन स्पोक गियर था ना बाइक का, वो दिक्कत दे रहा था। जैसे पहले या दूसरे गियर में आता तो टक 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 करना चालू हो जाता था, तो इसके चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया, बट कोई नहीं, अब चढ़ाई तो है नहीं, ठीक है, तो आराम से बाइक दिल्ली पहुँच जाएगी फटाफट फटाफट। मेरे हिसाब से देखा जाए तो कम से कम नहीं तो 9:30 या 10 बजे तक मैं घर पे होना चाहिए। उतना तो मेंटेन नहीं कर पाया जितना लास्ट टाइम, मतलब पहले करा था, 13 घंटे पे तो नहीं पहुँचाया, लेकिन हाँ ठीक है, अगर ये चेन स्पोक की दिक्कत नहीं रहता तो 6-13 घंटे से पहले भी पहुँचा देता मैं। तो गाइज अभी का जो सीन है, इस टाइम पे टाइम हो रहा है 6:36। मेरे ख्याल से मैं पहुंच जाऊंगा 10 बजे तक, झाड़ा के पहुंच जाऊंगा, क्योंकि रात के टाइम में थोड़ा ट्रैफिक रहता ही है और स्पीड मेरे को मेंटेन करनी पड़ेगी 60-70, इससे ज़्यादा दिक्कत देगा, क्योंकि यहाँ पे जो है थोड़े बहुत रोड पैच और रोड खोद रखी है, तो जिसके चक्कर थोड़ा टाइम लग जाएगा। एक्चुअली इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि चंडीगढ़ पे पता नहीं क्या हाईवे पे उसको रोक रखा था, तो जिसके चक्कर में अपना मैं हाईवे पे नहीं आ पाया था, मतलब चंडीगढ़ हाईवे पे नहीं आ पाया था, अंदर अंदर से लेके आया था मैं, तो इसलिए मेरे को टाइम लग गया, नहीं तो मैं आराम से पहुँच जाता जल्दी जल्दी, मतलब 9:30 का तो टारगेट था कि आराम से पहुँच जाता, बट कोई नहीं 10 बजे तक मैं पहुँच जाऊँगा, कोशिश तो पूरी यही है। लाइट ने काफ़ी सही काम कर रखा है, इतनी सही लाइट दे रही है तो बढ़िया है, और क्या चाहिए। सो गाइस देखो, सीन ये हुआ था कि 10 बजे मैं दिल्ली के अंदर एंटर कर गया, ठीक है, और 10:30 बजे अपना घर पे आ गया। देखो जितना मैंने जल्दी टाइम कवर हो सका उतना जल्दी मैंने टाइम कवर किया है बाइक राइड के टाइम पे। मेरे हिसाब से जहाँ तक मेरे को लगता है वॉल्वो से जल्दी मैंने कवर किया है। आ रहा हूँ मम्मी। जितना जल्दी हो सके उतना मैंने जल्दी कवर किया है, बस ये है कि फटाफट से कुछ खाना खाते हैं, उसके बाद जो है अपना कल आपसे मिलते हैं। बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, खाना ना खा के फिर आराम से सोऊंगा। अभी के लिए इतने, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट सब्सक्राइब, स्टे होम स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। देखो मेन चीज़ ये है कि जितना मैंने मेहनत किया ना इसमें, अगर व्यूज अच्छे आ गए तो भाई बल्ले बल्ले मज़ा आ जाएगा, नहीं आया तो कोई नहीं और ट्राई करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अभी के लिए तो कोई प्लान अभी कुछ होगा नहीं थोड़ा टाइम तक, तो उसके बाद देखेंगे, कहीं अगर प्लान हुआ तो चलने का चल लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।